नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। देश भर में किसानों का प्रदर्शन जारी है और सरकार द्वारा ये आश्वासन दिए जा चुके हैं कि अगर आप जल्द भी बातचीत करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, आपकी मांगों को जरूर सुनेंगे। आपकी जो भी मांगे हैं वो आप बुरारी के मैदान में आइए, संत निराकारी मैदान में आइए और वहाँ से हम आपकी मांगों को सुनेंगे। लेकिन सवाल ये है, जिन किसानों की बातचीत चल रही है, वो जो गांव में खेतिहर हैं या जिनका किले के हिसाब से ज़मीन है, वही नहीं दिल्ली में भी किसान हैं और दिल्ली के किसानों के ऊपर भी बातचीत होगी। तमाम नेता भी किसान हैं क्योंकि उनका कहीं ना कहीं पूर्वज भी खेती करके ही गुजर बसर करते थे। हमारे साथ जैतपुर क्षेत्र के निगम पार्षद, मीठापुर वार्ड के निगम पार्षद हैं महेश अवाना जी, इनसे बातचीत करेंगे। तो क्या ये किसानों की जो मांगे हैं और जिन मांगों को लेकर किसान अड़े हुए हैं सड़कों पर, सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, कृषि कानून को वापस लेने की बात की जा रही है, आपको लगता है जायज? जो आपने किसान की बात कही, सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, हम आज भी खेती करते हैं, हमारे पास बहुत सी ज़मीनें हैं। दिल्ली में कम ज़मीनें हो गई, उसके बाद हमने वो ज़मीनें हरियाणा में ख़रीद ली और हरियाणा में करीब करीब मेरे पास 100 बीघा ज़मीन है अभी, जिस पे हम लोग कुछ बटाई पे भी दे देते हैं, कुछ को खुद भी करा लेते हैं। तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, हर व्यक्ति जो गाँव में रहता है उसमें करीब करीब 80% लोग खेती से संबंध रखते हैं। तो खेती एक जरिया है, देश को जो चलाता है वो किसान ही चलाता है और देश की जो रक्षा करता है वो जवान करता है। और किसान और जवान दोनों ज़्यादातर गांव से पैदा होते हैं, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कहीं कम्युनिकेशन गैप है केंद्र सरकार के और कुछ किसानों के बीच में, जिसको वो समझ नहीं पा रहे हैं, या तो और समझ भी रहे हैं तो उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं, ऐसा जो महसूस हो रहा है। कुछ लोग राजनीतिक से प्रेरित है, कुछ पर्सनल अपनी प्रॉब्लम से प्रेरित हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कभी भी किसान विरोधी नहीं थे और ना आगे रहेंगे। हमेशा से उन्होंने एक ही बात कही है कि मेरे देश का किसान जो है उसकी उपज बहुत जल्द डबल हो, उसकी जो कमाई है खेती से वो दुगनी हो जाए, उसके लिए नए नए तरीके वो हमेशा खोजते हैं, नए नए तजुर्बे वो लेकर के आते हैं और जनता में उसको, किसानों में, देश में उसको, अपनी बात को शेयर भी करते हैं, जैसे मन की बात के द्वारा कई बार उन्होंने ऐसा किया है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं भी केंद्र सरकार के प्रति जो लोगों में, हमारे किसानों में ये बात घर कर गई है कि मोदी जी किसान विरोधी हैं, ऐसा नहीं है। देश का 30% किसान जो थोड़ा सा भ्रम के अंदर है, 30 से 40%, लेकिन 60-70% किसान जो है वो, उसको तसल्ली है कि मोदी जी हमें कभी भी गलत नहीं करेगा। ऐसे में जो ये कदम उठाए गए हैं सरकार द्वारा, आपने इसका समर्थन किया है, सवाल ये कि देश के ये जो लाखों किसान सड़क पर हैं, क्या वे किसान नहीं हैं? या बहुत सारे आरोप लगा दिए जाते हैं कि कांग्रेस के द्वारा ये जो है प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। नहीं, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ ना कुछ इसमें कांग्रेस का राजनीतिक उद्देश्य तो है, ये तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ। सभी किसानों के साथ नहीं है, तो जो भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें 50% से ज़्यादा जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, उनको राजनीति से अलग हट के बात करनी चाहिए। उनकी जो जेन्युइन समस्या है वो केंद्र सरकार के समक्ष रखनी चाहिए, और केंद्र सरकार अगर ये कहती है कि हम उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है तो आंदोलन जायज है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इस समय पर जो कोरोना जैसी घातक बीमारी, महामारी पूरे वर्ल्ड के अंदर फैली हुई है, ऐसे में अगर लोग, किसान इकट्ठे होते हैं, किसानों के बीच में कोई संक्रमित व्यक्ति आता है तो उससे हमारे किसानों का नुकसान होगा, बीमारी और ज़्यादा बढ़ सकती है। इस कारण से सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वो इस कारण से भी इस आंदोलन को अभी
कहती है कि अभी ना करो तो अच्छा। ठीक है अवाना साहब, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे महेश अवाना जी से, इनसे आज हमने इस मुद्दे पर इसलिए बात की कि हमें पता चला अवाना साहब भी एक किसान है, किसान के परिवार से जुड़े हुए हैं, और वर्तमान में भी इन्होंने जिस तरह बताया कि कई बीघे खेती पर ये खुद काम करते हैं, वहाँ पर या तो एक कहते हैं बटेदारी दे देना, यानी कि किसी दूसरे को दे देना, वो उपज करके किसानी करके उस खेती का कुछ हिस्सा आपको देता है, तो इस तरह के काम करते हैं। इनसे जानने की सीधी ज़रूरत थी हमें कि आखिर किसान जो मांग को लेकर डटे हुए हैं, वाकई में किसानों को गलतफहमी है या किसानों के असल मुद्दे हैं ये। इस पर तो सरकार और किसान आमने सामने है, फिलहाल देखना है क्या कुछ निर्णय निकलता है। कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ अभिषेक कुमार।